मौजूद मोहतरम फारूक मिर्जू साहब, जिन्हें खुशी की तौर हमारी दावत कबूल करनी है। और आज के इस दिन को बादमवाड़ी में है। यहाँ पे टूरिज्म ने एक कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है, एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर 2 ईयर्स। हमें वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग भी कितने खुश हो, लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं, खुश नज़र आ रही है। बहुत से हमारा ये म्यूजिकल प्रोग्राम है वो सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वाकई ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए यहाँ पे, कि हम अपनी बात तो नहीं करेंगे। मैं मतलब कि जो हमारे कश्मीर में न्यू टैलेंट है उनमें काफ़ी, मतलब कि हाल ही में मैं नाम नहीं दोहराना चाहती हूँ, किसी ने बोला था कि यहाँ फीमेल सिंगर्स कम है, लेकिन गलत बात है। हमारे कश्मीर में फीमेल सिंगर्स बहुत सारे हैं। हम दूरदर्शन में भी एक प्रोग्राम आता है कि उभरते हुए फनकार। हम जहाँ तक हमारा सवाल है कि हमारे कश्मीर में भी बहुत टैलेंट है, लड़कियों में भी बहुत टैलेंट है। अब क्या है कि किसी का लक है, किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मैं चाहती हूँ ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो उभरते हुए फनकार है हमारे कश्मीर में, उनको मतलब कि मौका दिया जाएगा कि इस फील्ड में आने का, और उनको सिंगिंग का मौका दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बादमवाड़ी जो है एक टूरिज़्म के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। यहाँ ट्रेडिशनली जो है लोग आते थे, और नवरोज़ के मौके पे एक अच्छा खासा जो है प्रोग्राम शुरू होता था, और हमारी बाहर की जो आमद है वो इसी पार्क में जो है सेलिब्रेट करके जो है इसकी शुरुआत की जाती थी। और आज हमने दोबारा से उस रिवायत को ज़िंदा करने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए एक यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सयाहों की तादाद है। यहाँ पे मुगल लोग आए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि यही हमारे एम्बेसडर बन करके आगे अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से और बाकी लोगों से बात करके एक फील उनको दे देंगे कि यहाँ आना कितना अच्छा है। और चारों तरफ आप देखिए कि बादाम के फूल लगे हुए हैं, और यहाँ बच्चे, बुजुर्ग, जवान सारे लोग आए हुए हैं, जो इस वक्त हमारे एक कल्चरल प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया उसका मज़ा ले रहे हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट का बुनियादी मकसद है कि ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन को और भी ज़्यादा से पब्लिसाइज किया जाए, जो जिनको जो है हमारे से ज़्यादा टूरिस्ट आ जाए, ताकि जो हमारे लोकल यहाँ के यूथ हैं या लोकल जो हमारे लोग हैं जिनका इससे जुड़ाव है टूरिज़्म से, उनके लिए नए नए साधन जो है वो खोजे जाए। और इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं उनको भी एक नया मौका मिले, नई जगह को एंजॉय करने का मौका मिले, यहाँ के क्रूजीन को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को, और यहाँ के जवानों के टैलेंट को देखने का मौका मिले। और वही चीज़ जाकर के वो जब शेयर करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम बाहर का जो आपकी बार हमने तैयारी किया है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 3 और 4 अप्रैल को टुलिप का भी इसी तरीके से एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, और उसके बाद जो है हाउस बोट फेस्टिवल भी हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो एक्टिविटीज़ टूरिज़्म डिपार्टमेंट कर रहा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ आने का लिए और आगे किया जा सकता। Oh, oh, oh.
इस इवेंट के बारे में बताएं। देखिए आज यहाँ जो है बादमबारी हमारा जो है यहाँ पे आमंड ब्लॉसम्स जो हैं आज पूरे खिले हुए हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ ट्रेडिशन रही है हमारे कश्मीर में कि द फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बादमबारी। वी आर ट्राइंग टू रिवाइव सम ऑफ दोस ट्रेडिशंस और यहाँ आज फेस्टिवल हमने मुनाकिद करके हमारा मकसद है कि दिस इज़ एन इन्विटेशन टू द पीपल ऑल ओवर द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। स्प्रिंग का जो हमारा सीज़न है बहुत ही खूबसूरत सीज़न है। देर आर ब्लॉसम्स एवरीवेयर, एवरीथिंग बर्स्ट इनटू लाइफ, देर आर डिफरेंट कलर्स, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। लाइक दिस से बादमबारी जो है हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है। पोइट हैज़ वेरी राइटली सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर फेड इनटू नथिंगनेस। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ एंड आई थिंक ओवर द ईयर्स इट्स लवलीनेस इज ओनली इंक्रीज्ड। एंड आज हम लोगों को यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं टू कम एंड विजिट जम्मू एंड कश्मीर, टू कम एंड विजिट अ ब्यूटीफुल गार्डन्स, टू सी दिस ब्यूटीफुल प्लेसेस। दिस सच अ ब्यूटीफुल प्लेस विच इज़ सो एक्सेसिबल, जहाँ पे affordable and within our own country. I see no reason why people from all over the country should come and not should not come and enjoy the beauty of Kashmir. Abhi, as you know that there is a restriction on foreign flights, so fewer foreign tourists are here, but we have had a very good season in winter. Winter tourism has been very good. Main spring ki baat karun to spring to bahut acha hota hi hai, but I think winter is even more epic and more